तो आज का मेरा जो भी प्लान था वो मैंने अपना लिख लिया था, जो मुझे स्टडी में करना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। केमिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल डन करी थी मुझे एकदम, और फिजिक्स की भी करी थी क्योंकि स्कूल से ऑर्डर आ चुका है कि कंप्लीट करनी है। मैंने इसमें से कुछ तो कर रखा बट कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जितना स्कूल में बताया गया था उस टाइम जब मैं थी उतना तो मैंने इसमें कर लिया, बट मेरी केमिस्ट्री की अभी रहती है। और देखो मेरी डायग्राम देखो, मुझे बनते नहीं नहीं बन जाते हैं, बट जब कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं होता ना तो मैं बनाती नहीं हूँ। उसके बाद मुझे फिजिक्स की भी करनी थी जो कि ये रही, इसमें मैंने काफ़ी सारे कंप्लीट कर लिए थे। इसका मैंने कल इंट्रो ले लिया था, तो आज मैं एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 का इंग्लिश के, जो मैंने कल रीड किया था डीप वाटर, उसके मुझे पैसेज जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले मुझे लर्न करने हैं आज। और उसके बाद मैम फिर जो फिफ्थ पार्ट है मेरा चैप्टर 1 हिंदी में रीड करना, क्योंकि कल हिंदी का रीड नहीं हो पाया था, मेरे से जो स्लॉट मैंने कम बनाया था आज ज़्यादा बनाया क्योंकि मुझे आज ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद मुझे इंग्लिश ग्रामर में एक आर्टिकल्स करने हैं, हिंदी ग्रामर में कुछ ना कुछ करना है। जब हिंदी बुक मुझे मिल जाएगी, मतलब मेरे पास है बुक, उसमें से देख के कुछ ना कुछ मैं हिंदी ग्रामर में आज जरूर पढ़ूंगी। उसके बाद मेरा आएगा होमवर्क, स्कूल से जो होमवर्क आएगा उसको डन करना ही करना है, और फिजिक्स वाला से क्लासेस जो ऑनलाइन लिविंग है उनको लेना है। उसके बाद लेक्चर 1 जो है मुझे रिकॉर्ड करना है, मतलब कि जो भी मैंने पढ़ा उनमें से कोई ना कोई लेक्चर अपने बोर्ड पे जाकर रिकॉर्ड करना। ये है मेरा आज का स्लॉट जो कि आज मैं करने वाली हूँ पूरे दिन में। और आज मैं सही बताऊँ ना, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो सुबह उठ के पहले मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करी। उसके बाद अब कितने बज रहे हैं, 1:50 हो रहे हैं, 1:50 से मैं इसको लेके बैठ रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ मेरे पे कितने देर में जाके स्लॉट कंप्लीट होता है, और हर स्लॉट को कंप्लीट करते ही मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कि कितनी देर में मेरा स्लॉट कंप्लीट हुआ। तो और मेरी स्टडी टेबल भी थोड़ी सी ऐसी पड़ी क्योंकि रात मुझे 10 बजे थे, उसके बाद मैंने जाके बस मैं लेट गई कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लेटना है। उस वीडियो को डालने के बाद मैं एकदम रिलैक्स हो गई कि हाँ मेरी ये वीडियो डल गई है, और मतलब जो मेरा ब्लॉग था डेली रूटीन वो डल गई। तो कैसी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि अच्छी थी बुरी थी या फिर अच्छा पड़ा, जो भी था आपको जैसा भी कमेंट करना, अच्छे से कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, पॉजिटिव कमेंट जो मैं भी पॉजिटिव हो सकूँ। उसके बाद सबसे पहले लेके बैठ गई मैं अपनी केमिस्ट्री की जो मेरी वो थी ना प्रैक्टिकल फाइल, उसको लेके बैठ गई, उसको कंप्लीट करने लगी क्योंकि आज मुझे वो जो स्कूल से होमवर्क आया था उसको कंप्लीट करना ही था। मतलब इसमें जो एक्सपेरिमेंट थे ना, वो 4-5 एक्सपेरिमेंट थे तो मुझे वो सारे करने थे। बीच में मैं पानी पीने के लिए गई थी यहाँ से उठ के, उसके बाद वापस आ गई, फिर आके देखा कि अभी तो बहुत सारा रह रहा, और मैं करती गई। इसको करने में काफ़ी टाइम लग गया, और मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख क्योंकि 1 बजे तो उसके पहले मैंने खाना नहीं खाया था। फिर हमने खाया खाना, मम्मी ने गर्म गर्म खाना बना रखा था, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई खाने में, दाल चूरमा बना रखा था और रोटी सब्जी बना रखी। उसके बाद हमने थोड़ी देर आँच लगाई, और उस पर आँच मतलब तापने लगा, मैंने बोल दिया आँच से लगाना, ये सब चीज़ बोलते हैं। उसके बाद मैं आ गई वापस, और मेरा एक रह रहा था, उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर अपनी केमिस्ट्री की तो हो गई थी, फिजिक्स की भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, वो मैंने इसमें इतनी दिखाई नहीं क्योंकि मैंने बंद कर दिया था कैमरा, काफ़ी देर हो गई थी ना कैमरा को चलते चलते इसलिए। तो मेरा केमिस्ट्री का हो चुका था, फिजिक्स का हो चुका था, और मैं लेके बैठ गई थी मैथ की अपनी बुक, उसको मतलब कि जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट करना ही था मुझे आज। तो मैथ की बुक लेके एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट करी कल, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मुझे काफ़ी देर में मिले वो सर दोबारा से जो से मैंने कल पढ़ा था, और इसे पढ़ने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश की गाइड उठाई, उसमें से मैंने पैसेज याद करने स्टार्ट कर दी क्योंकि जो मैंने कल चैप्टर रीड किया था उसके क्वेश्चन आंसर भी मुझे याद करने थे, पैसेज वाले अभी लॉन्ग शॉट रह रहे हैं, अब सिर्फ वही हो पाया। उसके बाद मैंने किया हिंदी की रीडिंग, मतलब कि जो चैप्टर मेरा कल रह गया था हिंदी की रीडिंग के, उसकी रीड करने के बाद ये भी कंप्लीट हो चुका था, हिंदी की रीडिंग हो चुकी थी, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद हो चुके थे, और मम्मी बीच में मुझे चाय दे के गई थी, गरम गरम चाय पीते मैंने वो क्वेश्चन आंसर भी सारे याद कर लिए। ये सब करने के बाद मैंने खोली अपनी इंग्लिश ग्रामर, मतलब गाइड में ही क्या था, और मैंने काफ़ी ढूंढी, मुझे ना अपनी हिंदी की बुक नहीं मिली, फिर मैंने हिंदी की गाइड में से इस चैप्टर को रीड किया। उसे रीड करने के बाद मैंने फिर अपनी खोली इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए, वो मैंने बुक में ही करे थे, नोटबुक में नहीं करे। और फिर हिंदी ग्रामर को पढ़ा, हिंदी ग्रामर में मैंने अलंकार पढ़े, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद मेरे स्लॉट्स कंप्लीट हो चुके थे, जो मेरे टारगेट्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो फर्स्ट केमिस्ट्री का है वो भी हो चुका है, मेरी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की जो प्रोफाइल मतलब कि फाइल थी प्रोजेक्ट फाइल वो हो चुकी है। क्या हुआ भाई, सनी बॉस काम कर ले अपना, चल सुबह से मैंने कर दी हुक्का की ना, और मम्मी कह रही हैं आप तो आपने, हाँ हाँ मैं भी थोड़ी देर में आ रही, जा जा कर दीजो तो, अरे जाना यार ठीक है मैं ना करूंगी, जा तू जा, मेरी कसम तो, अरे कर दूंगी सनिया चले जाए को यहाँ से ना जाना, और सनिया आ गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, चल नहीं करने, चल 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 बाय बाय टाटा। ये रहे भाई अपन ने कर ली अपनी, ये फिजिक्स की है,
ये भी कंप्लीट हो गई जो मैंने करा था, और ये केमिस्ट्री की ये भी डन हो गई जो सर ने बताए थे मुझे। बट राइटिंग ना मैंने फुल घसीटे मारे क्योंकि मुझे लिखते लिखते काफ़ी देर हो गई और मुझ पर लिखा नहीं जा रहा था। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का डन हो गया, एक्सरसाइज 1.1 भी मेरी कंप्लीट हो गई, रफ में करी अभी मैंने, फेयर में से नहीं करी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन छुड़वा छुड़वा के किए थे। अरे देखो, और कुछ फेयर में करिए, कुछ रफ में करिए, ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद थे मेरे पैसेज लंच जो कि इस चैप्टर के थे, वो भी मैंने कर लिए, यही रखी बुक भाई। अब यहाँ सुनाऊँ कैसे, मैं मम्मी को सुना, मतलब मम्मी को सुना देती हूँ मैं। ये डीप वाटर भाई, इस डीप वाटर ने मेरा डीप वाटर बना दिया, इतना भयंकर चैप्टर था ये। देखना इतनी बार डूबा पर डूब के भैया डूब भी जाता, इतनी बार स्टोरी पढ़ने लायक, इतनी बड़ी स्टोरी बना दी इसने पूरी, डूबा ऊपर आया डूबा ऊपर आया। तो जो भी था मुझे लर्न हो गए, ये वाले पैसेज ना तीन ही कहे थे, मैं भी ना थोड़ा थोड़ा काम रहती हूँ बट फिर भी सही है सर, इतने याद हुए भाई मुझे। उसके बाद मैंने हिंदी का चैप्टर रीड किया था जो कि उसमें दिख जाएगा, और ग्रामर का पोर्शन भी मैंने किया इसी में किया, और देखना एक साल में बुक का क्या हाल बना दिया मैंने, फट जाती है बार बार देखो, कोई नहीं। देखना बुकों पे भी क्या क्या लिख रखा है, अरे कहाँ गई, जब मेरे स्कूल में दिमाग नहीं चलता ना तो मैं ये सब लिखने लगती हूँ। देखो पायल जाकड़ व्लॉग पता नहीं, कभी कभी होता जब दिमाग चलता नहीं, सर कुछ पढ़ाते रहते हैं या फिर कुछ बातें, ये की थी मैंने, इसको कल करूँगी, ये काफ़ी बड़ी हो गई थी, ये की थी, और ये मैंने बुक में ही कर दिया अपने आर्टिकल्स जो थे, क्योंकि इतने ज़्यादा वो नहीं था उसमें, आर्टिकल्स में कुछ ही था, हिंदी ग्रामर में भी मैंने पढ़ा था, कहाँ गई मेरी बुक, ये रही हिंदी ग्रामर मैंने पढ़े अलंकार। एक चीज़ देखो, जो मुझे चीज़ थोड़ी थोड़ी आती थी ना आज मैंने वही पढ़ी, मुझे आर्टिकल्स आते थे तो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, और फिर अलंकार आता था तो अलंकार पढ़ा, मतलब जो मुझे आता हो थोड़ा थोड़ा वो पढ़ा, दो तीन पेज ही पढ़े पर इसके, पर फिर भी पढ़ने में काफ़ी देर लग गई मुझे। ये स्लॉट भी कंप्लीट हो गया, कुछ थोड़ी देर बात करूँगी। होमवर्क मुझे मिला, वो भी मेरा ऑलमोस्ट डन है क्योंकि स्कूल वालों ने सारा राइट करवाया और वो मेरा राइट है, कर लिया मैंने राइट। उसके बाद बस एक रह गया है लेक्चर, इसको भी थोड़ी बहुत देर में रिकॉर्ड कर दूंगी, आज इसी बोर्ड पर कर दूंगी क्योंकि उस बार रूम में पापा जी मूवी देख रहे हैं तो इस वजह से नहीं हो पाएगा।